नाक में आ गई है चटनियाँ। तो गप्पे मारते रहे भैया, बस मेरे लिए दो चार पीस है। कुछ ऐसा है अंदर से जैसे कटहल होता है ना, उस वाले एरिया में गए नहीं। फिर चले गए कुछ अपना सामान लाना है इन्होंने। और ये मॉल है, और कहाँ पे है, उसके नीचे ही खड़ी हूँ मैं। बट ये अपना सामान ढूंढ रहे हैं, तो मैं कह जाओ जी आप पे ढूंढ लो, और मैं हूँ यहाँ, मैं वेट करती हूँ तब तक आपका। तो और मैं क्या करूँ, और कुछ करने को है नहीं, इसलिए मैं चलो आपसे गपशप कर लेती हूँ, बातचीत करती हूँ। तो आज ना मैंने वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं उसको, माइक मोबाइल दीजिए। आज मेरे लिए अच्छा बेहतरीन मोबाइल चाहिए, मैं दे रहा हूँ ये चाहिए। अच्छा हाँ। गूगल पे करनी होगी। ये देखिए जी, मॉल भी घुमा के ले आए ना ये मेरे को। और यहाँ पे ना बाहर वो लगे हुए बच्चों के लिए, मतलब अलग अलग प्ले। तो मैं उनको पूछ रही कि भाई एक राइड का कितना लेते हैं। एक राइड का 100 रुपये, 100 रुपीज़ लगते हैं एक राइड के। और 3 मिनट की एक राइड होती है। हाँ। मैं क्या, ये तो बड़ा ही खतरनाक काम है। फिर ऐसे मैं अपने बच्चों को ले आऊँगी, वो बोलेंगे शानमिट बोलेंगे ये भी करना ये भी करना, ये कितने पैसे। तो ऐसे तो सच्ची बात है ये कि भाई शहरों में ना पैसे नहीं बच सकते। हम जैसे लोग अगर लो पकड़ो थोड़ा सा मेरे बाजू में लग जाती है दर्द ना, तो शहरों में ना बोलने का मतलब है कि शहरों में पैसे नहीं बच सकते, है ना, खर्च बहुत होता है ना। बच्चों का बच्चे बोलेंगे ये भी मम्मी ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो। इनके बोलने का मतलब, जैसे अभी मतलब मैं ही गई थी, देखो स्ट्रीट फूड खा रही थी, मतलब तो एक 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 जगह पे 40-40, 50-50 रुपए जब लग रहे थे ना, तो सोचो अगर 4-5 जगह भी खाया। खैर मैंने तो नहीं खाया इतना, मैंने कितना खाया देखो, एक जगह खाया ना मैंने वो चाटे, चलते रहो हम रिटर्न करना पार से। अच्छा क्योंकि पैदल ही तो चलना, चलो पैक करवा लेते हैं क्या, कुछ भी खाने के लिए। हाँ। अभी पेट में जगह है। हाँ, चलो, चलो तो है, जब पेट में जगह तो जाना, तो यही नहीं हमारा रास्ता। बोल रहे थे ना, और अब खुद पहुंच गए देखो यहाँ पे, बोल रहे हैं कि कुछ पैक करा देते हैं। एक काम करते हैं, राजमा चावल करवा लेते हैं पैक, राजमा चावल। राजमा चावल? हाँ। अभी रात को चावल खाने, थोड़ा सा खा लेंगे, आपकी इच्छा जो आपको पसंद हो। मैंने तो अब कुछ नहीं खाना, मैंने तो कुछ नहीं खाना ना, आपको जो अच्छा लग रहा है आप पैक करा सकते हैं। मैं तो नहीं खाऊंगी, देख लो जो भी कराना। अभी ये जा रहे हैं, अब अपने लिए राजमा चावल पैक करना है। राजमा चावल पैक करना है भैया, तो ये और मेरे को पूछना है खाने के लिए। तो भाई मैं, मेरे पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है ना, मैं तो खा नहीं सकती, तो बस आप ही खाइए। अब सच में नहीं बची अब तो पेट में जगह, थोड़ा पैदल घूमना पड़ेगा, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगी। ये चीज़ें हैवी होती है ना ये, पर एक बार स्वाद लग गया ना, अब दोबारा मैं नहीं खाऊंगी। पहुँच गए हैं सुबह, तो जाने से पहले जरा इसको जूस पिला लेते हैं। तो यहाँ पहुँचते ही मेरा सबसे पहला काम होता है ये जूस पिलाया। और दूसरा काम? दूसरा काम फिर ब्रेकफास्ट, अगर पेट में जगह बच गई तो ब्रेकफास्ट भी करूँगी, और नहीं बची तो इसी से काम चला लूँगी। ठीक है भाई, ठीक है। ये मेरे लिए, ऐसा ना सोचे कि मतलब वंदना अपने आप ही पी रही है। पतिदेव ढूंढ रहे हैं कि लोकेशन कल की कुछ और है ना, तो इसलिए ये कल के लिए रूम वगैरह देख रहे हैं। 2 दिन ही थी ना इधर ट्रेनिंग, 2 दिन कहीं और होनी है, इसलिए फिर कहीं और जाएंगे। ये पचड़ा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एक ही जगह हो जाती है ना, तो ठीक था, जैसे भी रूम बुक ही था तो आराम से मतलब एक ही जगह पे हो जाता है, मतलब सेट भी हो जाते हैं, थोड़ा लोगों के साथ बातचीत हो जाती है, हर चीज़ हो जाता है। ये देखिए जी, आ गई मेरी चौमिन, गर्मा गर्म चौमिन, और मैं खाऊंगी इसे बहुत ही आराम से। क्यों जनाब, खा लो आप भी। साथ में आ गई ये चटनियाँ। एक मिनट,
शुक्रिया। मैं खाती हूँ अनहेल्दी फूड चाउमीन, और यहाँ पे जनाब पी रहे हैं जूस। ये अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि भाई देखो दिल्ली पहुँचे हैं तो थोड़ा सा खाने पीने का लुत्फ़ उठाना चाहिए, है ना। फिर मैं अपना फिर से हेल्दी रूटीन फॉलो करूँगी, ठीक है। तो वो अभी गई है वंदना, ट्रेनिंग लगी हुई है और यहाँ मैं पार्क में बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ। यहाँ पे मतलब एकांत है दिल्ली में, मतलब कि ये जो पार्क फैसिलिटी है काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आराम से यहाँ पे ठंडा और शांत वातावरण है, यहाँ पर आराम से रिलैक्स होके बंदा आराम से रिलैक्स होता है इजीली। बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है, देखो गाड़ियाँ बहुत चली हुई है, काफ़ी रश है। यहाँ पे एकांत है, एक दो घंटे यहाँ पे आराम से बैठूँगा मैं, फिर उसके बाद रूम पर चले जाऊँगा। ये पार्क काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा पार्क है। भाई पहुंच गई, पहुंच गई, पाँच बैग है, हमने अपना सारा सामान ने एक ही बैग में एडजस्ट किया, देखो कितने महान है। अब जब शॉपिंग होगी ना, बैग की शॉपिंग भी कर लेंगे ना यहाँ से, और उसमें अगला सामान ऐड करेंगे। पर ये सफिशेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, बट ये कि एडजस्टमेंट करिए बड़ी उससे, मतलब पूरा फुल एकदम कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। अच्छी बात है, चलें फिर। क्या आप मेरी हेल्प करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, मैं ले लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे मेरे को गर्मा गर्म जलेबी दिख गई बनते हुए, तो जनाब वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। बोलेगी तुम औरतों को ना क्या क्या किया, बस मेरे लिए दो चार पीस दे दो, ठीक नहीं है। गर्मा गर्म बन रही है देखो, फ्रेश एकदम। देखते हैं दिल्ली वाली जलेबी कितनी टेस्टी होती है। इस वाली साइड को नहीं आए थे हम लोग ना कल, तो अभी देख देखो भूल गए हैं। अभी अपनी वाइफ के साथ आए थे ना, अभी गप्पे मिलने के, गप्पे मारने के लिए और मिल गए, तो उनके साथ चल पड़े हैं, है ना। हम आए हैं इधर चाय पीने के लिए। हाँ मैंने तो पीनी है। नहीं नहीं तेज रखती हूँ, पर बहुत ज्यादा भी नहीं, हाँ ठीक ठीक ही। वो है ना क्या नाम, साथ में होटल है यहाँ पर, देखिए जूस फ्रेश जूस मिल रहे हैं कैंट में, कैंट में डिलक्स है। ये गप्पे मारने में व्यस्त है, अरे मैं क्या, चलो ये व्यस्त है तो मैं अपनी ब्लॉगिंग में लग जाती हूँ, मैं आपके साथ बातें कर लेती हूँ स्टे करने के लिए, मैं बैठ रही थी इनके साथ खाने के लिए, खाने के लिए वो तो वो है नहीं नहीं नहीं, खाने पीने के नाम पर मुझे दिल कर जाता है खाने का ही। हाँ नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, बड़ा फेमस है कोई भी अगर आता ना, हमारे वहाँ पे नहीं होता ना, तो मैं थोड़ा सा मेरे को लगा कि भी देखती हूँ कैसा है, कुछ ऐसा है अंदर से, जैसे कटहल होता है ना हमारा उधर, सब्जी खाते हैं हम लोग कटहल की, तो सेम वैसे ही है अंदर से ना। बाकी मैं खा के बताऊँ, मीठा है बहुत, सच में बहुत टेस्टी है, नहीं टेस्टी बहुत है। और ये इसको क्या बोला आपने, ये रामफल है ना, तो हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं बीज, इसमें कुछ होता है बीज भी, जापानी फल बोलते हैं ना, हाँ जापानी फल, हाँ। पर ये मैंने यहीं पे देखा भाई, आप बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि मैंने मंडी में, ये तो हमारे उधर भी है, हाँ देसी है पर मैंने नहीं देखा, हाँ 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 सरकार घाट पे तो नहीं है ना, है ना। अच्छा अच्छा, ये देखो इस तरह के बीज है, हाँ इतने बीज होते हैं, नहीं मैं ले नहीं जा रही हूँ, ले 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 ले, पेड़ उगाने के लिए ले जाओ, पर टेस्टी है बहुत, नहीं नहीं मैंने, हाँ ये तो खा लूँ, ये तो गप्पे मारते रहे खा ली, शक्कर कैंडी मुझे पहले बहुत टेस्टी लगी, तो मेरा मन कर गया आज भी खाने का, बाकी तो और मैंने कुछ नहीं खाया आज, वही चाय पी, चाय पीने का मन हो रहा था, सर में बहुत दर्द हो रही थी, मैं क्या यही खा लेते हैं, ये देखिए बन रही है अभी, चलो पहुँच गए अभी हम फिर से रूम में, खाने पीने का सामान दिखाओ तो, दिखाओ तो, ले आए हैं सारा कुछ आज पैक करके, आज रूम पे ही खाएंगे, तो चलते हैं रूम की तरफ। पतिदेव को पड़ गया लिफ्ट में जाने का, लिफ्ट में जाने का चश्मा पड़ गया ना इनको। कल बहुत सारा खाना खा लिया था हम लोग, हर एक चीज़ को टेस्ट कर लिया था, तो
तो आज था कि कुछ सिंपल सा खाना है, और इन्होंने बोला कि हम रूम पे ही खाएंगे। तो ये हम लेकर के आए, ये नान है, मसाला नान। और ये चीज़ भी वहाँ पे बहुत लोग खा रहे थे, मतलब बहुत फेमस ही लग रही थी मेरे को। जैसे कुछ एक छोले के साथ वो भटूरे खा रहे थे, और कुछ एक ये चीज़ खा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना यही ट्राई करते हैं। और बाकी ये अपनी एक फेवरेट डिश भी लेकर के आए हैं। और टीवी लगा हुआ था इसलिए मैंने वॉइस ओवर दी, तैयार हो गई ध्यान नहीं ना? दिया मैंने तब। कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हूँ? हाँ, बढ़िया लग रही है, बढ़िया आज लग मैंने रही है। कुर्ता पहना, आपका फेवरेट वाला। अच्छा अच्छा ठीक है। इनको ये कलर बहुत पसंद है, और एक इनके पास भी सेम ऐसा ही कुर्ता था ना, तो ये बहुत पहनती थी उसको। मैं इनका भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये। मैं तैयार हो गया हूँ, मैंने कहा चलो चलते हैं, इसकी ट्रेनिंग होगी और हम बाहर ट्रेनिंग करेंगे जरा। आज मेरी लोकेशन चेंज है ना, तो थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं हम लोग, घूमते घूमते टाइम लगेगा। और एक तो ये मेरा बैग है ना, इसको भरते भरते मतलब इसमें ना हर एक चीज़ फिट करी हुई है। एक चीज़ रह गई है, ये हम खा लेते हैं अपना। ये पक्का नहीं है वैसे, हम लेके आए थे मतलब कितने लंच पे खाइए इसको, 100 रुपए के लेके आए थे ना, तो 3 हम रात को खा चुके थे। हिम्मत लंच में करना, नहीं अभी खाना, अभी नहीं पका है बनना, नहीं पका, कच्चा होगा, मीठा नहीं होगा, क्या फायदा फिर? ठीक है यार, जब मैं बोल रहा हूँ नहीं, कहाँ लेके चलना भी है? डाल दे इसको लंच पे, खा लियो ना, पर्स में डाल दे अपने, इसी के अंदर डाल दे इसको। नहीं नहीं लंच लुंच में आरा, नहीं खा क्या सकते बात कर रही है। अभी हम दोनों खा लेंगे इसको, आप अपना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, मतलब थोड़ा आम की तरह टेस्ट है ना, है ना, आम की तरह टेस्ट देता है। और यहाँ पे ना मेरे बाल इतने ज्यादा झड़े, जिस दिन धोए ना वो तो यू निकले बहुत ज्यादा, शायद दिल्ली का पानी सूट नहीं। चल चल वो वेट कर रहे हैं, चल अच्छा चलो चलो, वो भैया खड़े हैं चाय पीने के लिए। अच्छा अच्छा चलो। तो जी मतलब हम भी थोड़ा आलसी हो गए हैं, पैदल चल नहीं पा रहे हैं, लिफ्ट में चल रहे हैं, मतलब ये दो फ्लोर भी नहीं नहीं आलसी नहीं है, 3 फ्लोर हैं ये देखो, दो नहीं है, 3 है, अब तो 2 पे आ गया ना, पर आलसी नहीं हो गए हैं एक्चुअली ना। इसके बाद हमें बहुत चलना पड़ता है, तो हम ऑटो मोटो नहीं लेते, हम चलते रहते हैं, मतलब थोड़ा सा वो भी हो जाता है ना अपना पैदल। हाँ जैसे हम वर्कआउट एक तरह से, तो इसलिए मतलब हम लोग ये देखिए जी, भैया एकदम टाइम से रेडी हो गए थे। अभी हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, खाली पता करने निकले हैं अभी, कि थोड़ा चाय पानी भी पी लेंगे और साथ में फिर पता करके आते हैं कि कैसे जाएंगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी ना, तो मैं क्या बाद में मैं वॉइस ओवर दे दूंगी, क्योंकि जो मेरे माइक थे ना वो रह गए हैं बैग में ही। तो मैं कहा चलो कोई नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट लोकेशन जो कि है जनकपुरी, अभी 2 दिन हम पश्चिमी बिहार में ही थे, तो अभी फिर नेक्स्ट 2 दिन जनकपुरी में होगा। तो उधर के लिए फिर अभी देखते हैं अभी कैसे, मेट्रो से या ऑटो वोटो करते हैं, ई रिक्शा वगैरह कुछ भी, तो उस चीज़ के लिए। आज और मैं थोड़ा अलग लोकेशन में आए हैं, तो मैं क्या चलो थोड़ा सा वीडियो बना के देखती हूँ। हम लोग सोच के निकले थे कि पहले चाय वाय पियेंगे, फिर जब आ गए इधर तो सामने ही बोर्ड लगा हुआ था जनकपुरी का, मैं क्या चलो यहीं से, इन्होंने बोला कि देख लेते हैं पूछ लेते हैं, फिर जैसे ही सब, क्योंकि टाइम से पहुंचना भी तो ज़रूरी होता है ना, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है नहीं तो। और देखिए टाइम में पंचुअल होना तो बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आप जॉब कर रहे हो तब, ऐसे तो चलो चलता था। तो फिर इन्होंने बोला कि पहले देख ही लेते हैं भी क्या जुगाड़ बनता है, अगर यहाँ पे पूछ लेते हैं ऑटो वाटो का हो जाता है तो क्यों फिर इतने चक्कर में पड़ना मेट्रो मोट्रो के। तो बस यहीं पे फिर पता कर रहे थे इनसे कि कितना लेंगे, कितना अगर दूर पड़ेगा जो भी था, तो इन्होंने बात बात करी। और ये जो साथ में भैया हैं, तो ये भी जहाँ पे हमारी पहले ट्रेनिंग चल रही थी ना, तो हम 2 ही कैंडिडेट्स वहाँ से आए थे। पकड़ो तो एक मिनट, ये ऑटो का आनंद लेते हुए सानू मिठू बोलेंगे कि आप अकेले अकेले घूम के आ गए और हमें नहीं घुमाया। उनको ऑटो की सवारी करना ना मतलब बहुत ज्यादा वो लगता है, क्योंकि हमारे उधर नहीं चलते ना, उनके लिए नई बात हो जाती है। हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, और आज आज मैंने गूगल लोकेशन ट्रैक करना और सारा कुछ करना सीख लिया। फोर्थ में जाइए, पर किधर आइए नहीं, पकड़ो तो इसको ना, मैं जाके आई, जल्दी आ जाइए, ब्रेकफास्ट भी करना है। मेरे को तो नहीं लगा इतना,
बट ये तो देखो हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है। मैं इनको बोल रही ना, जैसे न्यूज़ में सुनते हैं हर जगह ही दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, ऐसा है वैसा है, तो मेरे को तो मतलब इतना कुछ खास लगा नहीं कि हाँ बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है। शायद हम मतलब उस वाले एरिया में गए नहीं होंगे, ये हो सकता है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रखा है तो यहाँ पे आए हैं, देखते हैं मतलब क्या क्या मिलता है। मेरा ना चाय पीने का मन हो रहा है, चाय तो पीनी है ना जनाब? आप भी पियेंगे? नहीं, नहीं, मैं तो नहीं पीऊंगा चाय। क्यों? नहीं नहीं, तो अभी चाय नहीं पियोगे? नहीं नहीं, कर लो आज ट्राई, बढ़िया बनाएंगे जैसे आप ऑर्डर दोगे। नहीं नहीं, चलो पूछ लेती हूँ। पूछो आपने, पूछो। मैं तो ये तो तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तैयारी कर रहे हैं भैया? ये तैयारी हो रही है? कितनी देर लगेगी? एक घंटा? एक घंटा लगेगा। अरे बाप रे, एक घंटा तो बहुत बड़ा टाइम हो गया फिर।